कानपुर के गुजानी मर्दनपुर नहर में चार बच्चे डूबे। एकता पार्क के पास नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस द्वारा दो बच्चों को सकुशल बचाया गया। अन्य दो बच्चों की तलाश लगातार जारी। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे। कानपुर के गुजानी मर्दनपुर नहर में चार बच्चे डूबे। एकता पार्क के पास नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस द्वारा दो बच्चों को सकुशल बचाया गया। अन्य दो बच्चों की तलाश लगातार जारी। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे। प्रियांशु चतुर्वेदी। कब से डूबा हुआ है, कितना समय हो गया है? दो दस पे हमें खबर मिली कि बच्चा आपका डूब गया। हम ड्यूटी में थे। किसने दी खबर आपको? हमारी बिटिया ने दी। फिर उसके बाद? तो उसके बाद हम दौड़ के वहाँ से आए रतनलाल नगर में। हमारा चल रहा। और फिर उसके बाद पता चला तो हम अपने मिसेज को फ़ोन किया कि हम वहाँ डायरेक्ट पहुँच रहे हैं, नार पे आप आओ। उसके बाद 2 बजे हम आए तो पता चला कि पुलिस लोग खड़े थे। हमने बात किया तो अभी गोताखोर आ रहे हैं, खोजवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली। सिर्फ 4-5 घंटे होने जा रहे हैं अभी तक। दो थाने की फोर्स, हाँ, फोर्स आई लेकिन कोई काम कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ नाम क्या गुहार लगाते हैं? गुहार हमने कहा कि आप जो है हमारा बच्चा खोज के दीजिए। आप लोग न्यूज का लगाने से हमने ये भी कहा कि हमारा बच्चा चाहिए, हमें न्यूज नहीं पहले चाहिए, हमें न्यूज नहीं फैलाना, हमें पहले हमारा धन वापस चाहिए। सर मतलब सरकार प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से हमारे सर यही गुहार कि हमारे जैसे भी वो बच्चा हमें खोज के ला के दे, नहीं तो प्रशासन और शासन कोई किसी का व्यर्थ नहीं सब। क्या ये बताइए आपके बेटे का नाम क्या है, कब से गायब है? 2 बजे। मेरे बच्चा प्रियांशु नाम है। 2 बजे से मेरा बच्चा यहाँ डूबा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस समय कितने बज रहा है? 5:30 बज रहा है। क्या अभी तक कोई मदद नहीं। नहीं। बस सब लोग करेंगे, हम खोज रहे हैं मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। खाली अपने फरमानती पुलिस आ गई, कुछ भी नहीं। खाली मेरा बच्चा खाली नाम पता लिख रहे हैं, उसके बाद आना जाना कर फरमानती ये लोग पूरा कर रहे हैं। मेरा बच्चा रहा ही नहीं, ये लोग ने कुछ किया ही नहीं। पहली बात तो हम लोग धूप में 2 बजे बच्चे के पीछे परेशान हैं। कानपुर के गुजानी मर्दनपुर नहर में चार बच्चे डूबे। एकता पार्क के पास नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस द्वारा दो बच्चों को सकुशल बचाया गया। अन्य दो बच्चों की तलाश लगातार जारी। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे। कानपुर के गुजानी मर्दनपुर नहर में चार बच्चे डूबे। एकता पार्क के पास नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस द्वारा दो बच्चों को सकुशल बचाया गया। अन्य दो बच्चों की तलाश लगातार जारी। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे। दादा क्या नाम है? हमारा कल्लू नाम है, कल्लू सिंह। क्या क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई है? यहाँ चार बच्चे नहा रहे थे, हमने बराबर डांटते रहे, चिल्लाते रहे, बराबर दबटाते रहे, तब तक वो नहाते रहे बराबर उस तरफ, और ऊपर से कूदने लगे तब चिल्ला दें डूब जाइयो रे, भट जाओ, डूब जाइयो, भट जाओ, बहुत देर चिल्लाते रहे। जब तक मोटे पर बने रहे तब तक नहीं डूबा थी, लेकिन रहे अनाज रहे। बच्चे थे? चार बच्चे थे। अच्छा, फिर दुकान में वो आ जाकर बैठ गए, हम हूं से चिल्लाते रहे। फिर हमने कहा भट जाओ बच्चे, पुलिस आ रही, मारी है, पुलिस आ रही, भट जाओ। वो डे नहीं कर, पुलिस को नहीं डरते, हम लोग नहीं मारती पुलिस। कितने बच्चे डूबे हैं? 2 बच्चे डूबे। दो बच्चों को सकुशलता निकाल लिया गया? हाँ, 2 बता रहे डूब रहे, और बस हम मोटे पर नहीं थे, जब चले गए तब डूबे। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस अब बहुत आई है, थोड़ी आई है। कौन थाने की पुलिस आई थी? हमने बताया थाने की। कानपुर के गुजानी मर्दनपुर नहर में चार बच्चे डूबे। एकता पार्क के पास नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस द्वारा दो बच्चों को सकुशल बचाया गया। अन्य दो बच्चों की तलाश लगातार जारी। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे।